हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभी केदारनाथ धाम में, और केदारनाथ धाम से आपको हर एक दिन हर एक छोटी बड़ी न्यूज़ एंड अपडेट अपने चैनल रॉबिन रावत ब्लॉग्स के माध्यम से दे रहा हूं। अभी हूं मैं भीमशिला मंदिर प्रांगण में। ये देख सकते हैं आप, बैक एंड साइड में मंदिर भी दिख रहा है, और ये ऊपर है भीमशिला मंदिर प्रांगण जहाँ पे मैं हूँ अभी। और अभी यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश लग रही है सुबह से, तो यहाँ पे थोड़ा सा मौसम जो है वो सही हो गया था, बट अभी इस टाइम 2 बजे के बाद से दोबारा से मौसम ख़राब होने लग गया है। और यहाँ से बार बार अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि हम आपको 4 बजे तक ही जाने देंगे नीचे, यानी 4 बजे के बाद अलाउ नहीं है ना यात्रियों को ऊपर आना। आप जो बीच में ट्रैक कर रहे होंगे उनको तो आने देंगे, बट यहाँ से धाम से 4 बजे के बाद नीचे नहीं जाने देंगे, और गौरीकुंड से भी 4 बजे के बाद ऊपर को नहीं चढ़ने देंगे। तो यात्रा तो खुल चुकी है कल की 14 तारीख की, बाकी आज 15 तारीख है, 15 सितंबर 2024, और जो आज है आज भी यात्रा चालू है, और आज भी यहाँ पे काफ़ी सारे यात्री पहुँचे हैं। तो सबसे पहले अभी आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं केदारनाथ हिमालय पर्वत का। वहाँ पे लाइव स्नोफॉल चल रही है अभी, ये देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हल्की हल्की सी बूंदाबांदी बारिश की हो रही है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा अभी लाइव बर्फबारी चल रही है, ये देख सकते हैं आप। तो ये है केदारनाथ हिमालय पर्वत, जो कि पूरा अभी बर्फ़ से ढका हुआ है ऑलमोस्ट। और ये हिमालय की मेरु पर्वत बोलते हैं उसको। सनसेट का व्यू दिख रहा है इधर से अभी हल्का हल्का, वैसे अभी तो होगा नहीं सनसेट, 3 बज रहे हैं अभी तो। बाकी ये देख सकते हैं नीचे से बिल्कुल मौसम अब क्लियर होने लग गया है केदार घाटी का। नहीं तो डेली यहाँ पे बादल दिख रहे थे, नीला आसमान आज ही देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं आप। नहीं तो मैं डेली यहाँ से वीडियो बनाता हूँ, आप डेली देख रहे होंगे मेरी वीडियो में, पूरे बादल छाए रहते हैं, बट अभी अब नीचे से मौसम क्लियर होने लग गया है। और ये है सुमेरु पर्वत पूरा, ये देख सकते हैं आप। बाकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी अब स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर JCB लगी हुई है। एक्चुअली क्या है, केदारनाथ ड्रीम प्रोजेक्ट का काम भी रुका हुआ था बारिश की वजह से, और अभी दोबारा से अब जो भाई लोग यहाँ पे रुके हुए हैं काम करने के लिए, तो JCB भी लग गई है। और इधर पे आप देख सकते हैं जगह जगह अभी काम भी चल रहा है, ये देख सकते हैं इस बिल्डिंग में भी काम चल रहा है, जो गेस्ट हाउस बन रहा है सामने। और अभी हैं हम भीमशिला मंदिर प्रांगण में। भीमशिला में आप देख सकते हैं दर्शनार्थियों की संख्या अभी नॉर्मली। आप चलते हैं मंदिर की तरफ, मंदिर में लेके चलते हैं, देखते हैं कितने श्रद्धालु आए हैं आज। अभी आ चुका हूँ मैं मंदिर प्रांगण में, और मंदिर में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु अभी पहुँच चुके हैं यात्रा करके नीचे से, अभी जो आ रहे हैं कुछ लोग अभी आ रहे हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं जो केदारनाथ हिमालय पर्वत है उसके अभी काफ़ी अच्छे दर्शन हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। अभी वहाँ पे धूप पूरी चमक रही है भाई, अभी तक तो पूरा बादलों से ढका हुआ था, और उसका जो शिखर है इस हिमालय का वो अभी दिख भी नहीं रहा एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे अभी भी कोहरा ही है, आप देख रहे होंगे, देख सकते हैं। तो पूरी बर्फ़ पड़ी हुई भाई वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर डेली, जिससे पूरा वो वाइट हो चुका है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। और ये पब्लिक का आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में व्यू। और ये है केदारनाथ मंदिर प्रांगण की जो फ्रंट मार्केट है उसका आज का व्यू। आज मुझे एक्चुअली कल भी आया था, तो कल यहाँ पे जो पब्लिक थी वो आज के अकॉर्डिंग ज़्यादा पब्लिक कल थी भाई, कल क्योंकि यात्रा 3 दिन से खुली थी, तो जिस वजह से क्या है कि 10,000 यात्री उन्होंने एक साथ छोड़े थे। आज इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं दिख रही है, कल तो बहुत ज़्यादा पब्लिक थी मंदिर प्रांगण में, आगे भी नहीं जाया जा रहा था, बट आज देखो इतना स्पेस है। और अभी बारिश भी लगी थी यहाँ पे, पूरा गिल्ला भी हो चुका है भाई, और अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे लोग यहाँ पे, अभी पहुँचे भी नहीं है सारे लोग, क्योंकि जो पैदल वाले हैं वो 5-6 बजे के बाद में ही पहुँचते हैं। और ये इधर पे सभी साधु संत महात्मा लोग बैठे हैं, असले क्या वो आद Thank you.
तो ये है केदारनाथ मंदिर प्रांगण का व्यू, अभी का देख सकते हैं। अभी सुनो, और अभी पहुंच चुके हैं हम नंदी बाबा जी के पास में, देख सकते हैं पब्लिक अभी सीधे जिस तरीके से आजकल दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। मैं भी अपने चप्पल उतार देता हूँ भाई, उसके बाद फिर आपको दर्शन करवाते हैं। सीधे देख सकते हैं पब्लिक यहाँ से सीधे आगे जा रही है, देखो क्योंकि क्राउड कम है और ये वाला टाइम अब बहुत अच्छा है। अगर कोई अब यात्री आना चाहता है तो आसानी से आ सकता है। ये देखो अभी कोई पब्लिक नहीं है, बिल्कुल तुरंत तुरंत जैसे ही जा रहे हैं वैसे ही अंदर दर्शन हो रहे हैं, और यही लोग इधर से ही बाहर आ रहे हैं। यहाँ से नहीं बाहर आना था, उधर से बाहर आना था, दूसरे गेट से बाहर आना था। दूसरे गेट से बाहर आए, अच्छा आए एक बार, इधर से अंदर जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं। एक्चुअली ये हैं भाई दर्शन, बाकी ये हैं नंदी महाराज जी के। तो ये हैं आज के नंदी महाराज जी के दर्शन, देख सकते हैं आप कैसे महाराज जी। बढ़िया देवता, थोड़ा सा आगे जाने दो मेरे को जरा। इस टाइम एक्चुअली पब्लिक ज़्यादा रहती है नंदी महाराज जी के अगल बगल में। तो ये हैं श्री केदारनाथ जी के 15 सितंबर 2024 रविवार के दर्शन, जो कि आप कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री केदार जरूर लिख देना। जूते उतार दो, जूते उतार, क्या हो गया तो ये हैं आज के दर्शन, शुभ दर्शन श्री केदारनाथ धाम जी के। और पब्लिक आप देख सकते हैं यहाँ पे, बाबा जी ने उनको डांट दिया भाई, क्योंकि जूते लेके जाना ठीक नहीं है सही में। अगर आपकी आस्था है तो फिर आप ये चीज़ें नहीं करते हैं, बट अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए कर रहे हो तो फिर तो वो तो फिर दिखावा हो गया, भक्ति नहीं। और ये है भगवान के आज के दर्शन। अभी आप देख सकते हैं जो केदारनाथ हिमालय है उसके पूरे दर्शन हो रहे हैं भाई, अभी संपूर्ण दर्शन देख सकते हैं। अभी वहाँ से जो बादल है पूरे जा चुके हैं, देखो ये भाई लोग आए हैं जगन्नाथ से, एक्चुअली जगन्नाथ का झंडा। कहाँ से आए हो भाई? जगन्नाथ धाम से। जगन्नाथ धाम से कितने लोग हो? 9 आदमी। 9 आदमी जी। अच्छा सभी लड़के ही लड़के हैं? नहीं सब लड़के। अच्छा पहली बार ये यात्रा कर रहे हो? हाँ पहली बार है। और आपका भी भाई पहली बार है? ये जगन्नाथ जी का झंडा है जी सर। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, चलो अपनी संस्कृति पे प्राउड होना चाहिए। तो कैसे ट्रैक किया आपने? हम लोग पैदल में किया है। पैदल में जी। अच्छा सभी लोगों ने पैदल किया ट्रैक? किया पैदल। अच्छा कब स्टार्ट किया था ट्रैक आपने? हमने किया था 4:40 को, 5:40 को। 5:40 मॉर्निंग? जी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दिया। कितने बजे पहुँचे? पहुँचा कितना? 7:48 को। 7:48 को यहाँ पे पहुँचे। 7:48 तो अभी हुआ ही नहीं। नहीं नहीं अभी नहीं, कल शाम को। कल शाम को स्टार्ट किया था, ये सॉरी मॉर्निंग को स्टार्ट किया था, शाम को 7:48 को आके पहुंचा। अच्छा कल के आ चुके हो आप यहाँ पे? हाँ कल लाके नाइट में उधर था। अच्छा अभी आया दर्शन करने के लिए। तो अभी दोबारा मतलब आज यही हो, कल जाओगे? नहीं कल जाएंगे, कल मॉर्निंग को। अच्छा रूम वगैरह कैसे मिला लिया? उधर टेंट लिया। कितने में मिला टेंट? टेंट में कितना? 1100 में लिया है। 1100 में सभी लोगों के लिए? 8 लोगों के लिए जी। 8 लोग, 9 आदमी के लिए। 9 लोगों के लिए है ना। खाना पीना अलग होगा आपका? खाना पीना खुद खाते हो? खुद ला रखा है? साथ में ला रखा है क्या जी?
मैंने कहा खाना पीना साथ में ला रखा है क्या? खाना पीना भी अलग से अलग से होगा ना, रेंट लिया है तो हम लोग जाके खुद खाना कंपनी खुद का पैसा में। वही पूछ रहे हैं भाई, वही पूछ रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ मैं तो। कैसा भाई, आप भी जगन्नाथ से हो, आप भी इनके साथ ही हो उड़ीसा से, कैसा लग रहा है फिर यहाँ पे? अच्छा लगते है। अच्छा लगते है, हिंदी तो समझते होंगे थोड़ा? अच्छा, पहली बार आए हो? फर्स्ट टाइम आया है। अच्छा, सो अभी मैं केदारनाथ धाम मंदिर प्रांगण में हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे यात्री अलग अलग जगह से आए हैं, तो ये जो यात्री हैं इनसे जानते हैं लोग कहाँ से आए हैं, कैसे भी लोग बैठे। कहाँ से आए हो माता जी आप? कदेड़ा से, कोटा, कोटा जिला में। अच्छा, कोटा राजस्थान से। कितने लोग हो आप? 27 लोग। अच्छा, कैसे ट्रैकिंग, कैसे हिंदी समझते हो ना आप, हिंदी बोल भी पाते हो, कैसे स्टार्ट करी ट्रैकिंग आपने? ऐसे भी पैदल भी करी, घोड़ा से भी करी, पैदल भी करी, कोई ना। अच्छा अच्छा, नहीं कोई ना, घोड़े से भी करी। सभी लोगों ने घोड़े से? नहीं नहीं नहीं, बाकी 10 आदमी ने घोड़े से करी। अच्छा, और मैं पैदल करी। आपने कैसे करी? आपने पैदल? घोड़े से। अच्छा, घोड़े से। कितना पैसा लिया घोड़े वाले ने? कितना पैसा लिया घोड़े वाले ने? 3500। सोनप्रयाग से आए क्या आप? 3500। सोनप्रयाग से। अच्छा, सोनप्रयाग से बैठे होंगे ट्रैक। नीचे गौरीकुंड से तो 3200 रुपए है। अच्छा अच्छा अच्छा, पहली बार आ रहे हो यहाँ पे? पहली बार लिया, पहली बार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कितने लोगों का ग्रुप बताया आपने? ऐसे तो 50 लोगों का एक ग्रुप, तो दो। अच्छा, छोटा सा है ना। हाँ हाँ हाँ, तो दो बस आई थी वहाँ। अच्छा, 40 लोगों का। अच्छा 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 अच्छा, बस में आए हो आप? बस में आए। आप भी, आप पैदल आए हो अभी? आए घोड़े में? घोड़ा। अच्छा अच्छा, घोड़े में। ठंड लग रही है ज्यादा देख रहा हूँ मैं आपको, बहुत ठंड लग रही है। अब आप राजस्थान के ना, ठंडा बहुत है। हाँ, गर्म इलाके के लोग हो आप तो, फिर यहाँ पे तो काफी ठंडा। और आपको माता जी ठंड लग रही है? ठंड लग रही बहुत, और ठंड तो लगेगी, देखो ऊपर देखो बर्फ कितनी ज्यादा है, ये तो हिमालय का क्षेत्र है। देखो, सोचो आप भोले बाबा कैसे साधना करते होंगे हिमालय में, है ना? बहुत ठंड। मैं तो यहीं से हूँ। हाँ, यहीं से। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ठंड भी लग रही है पर अच्छा लग रहा है। आज यहीं रहोगे? यहीं रुकेंगे। अच्छा, सुबह जाओगे यहाँ? सुबह का दर्शन करेंगे। अच्छा, सुबह का दर्शन करके कल जाओगे फिर यहाँ से? चार धाम यात्रा पे निकले हो? तीन धाम कर लिए? कल बद्रीनारायण रह रहा, उसके बाद घर जाओगे। घर से कब निकले हो? घर से निकले 6 तारीख। 6 तारीख को। अच्छा, और आप कैसे हो माता जी? बढ़िया। ठंड लग रही है? बढ़िया, इस बार ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, इसलिए आपने ढांटू ढूंढू बिल्कुल पूरा टोपा टोपा है ना, पूरे कान कून बंद कर दिए। अच्छा, उम्र पूछ सकता हूँ आपकी? कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र तो कितनी होगी? 70 के लगभग। तो कैसे करी आपने ट्रैकिंग, कैसे करी? नीचे से कैसे आए? पैदल आए? घोड़े पे आए आप? पैदल। आप पैदल आए? अरे, आपको हमारा प्रणाम है। चलो, आप तो बुजुर्ग आदमी हो, देखो 70 की उम्र में आप यहाँ पे पहुँचे हो तो भी बहुत बड़ी बात है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सिर्फ ठंडी लग रही है, और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सांस उस लेने में कोई दिक्कत ऐसा तो नहीं है ना? तबीयत ठीक है? लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे? अपने राजस्थानी भाषा में बोल दो यहाँ से कुछ भी, मतलब कि जो अपने बारे में, कि कैसा लगा आपको यहाँ पे, कैसे महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे कि आना चाहिए यहाँ पे? आना चाहिए, यात्रा सेफ है अभी? हाँ, यात्रा करनी चाहिए, एक बार तो करनी चाहिए। करनी चाहिए एक बार? अच्छा, यात्रा सेफ लगी आपको, क्योंकि मतलब डेंजर नहीं है आगे? बढ़िया लगी। आगे मतलब जो रास्ता है बढ़िया था? बढ़िया, क्लियर कर दिया। यहाँ का प्रशासन बढ़िया साथ दे रहा सभी का? पुलिस जो मतलब नीचे से जब आप आए ट्रैकिंग में, यहाँ करता है यार। अच्छा 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 अच्छा, और आप, आपका कैसा एक्सपीरियंस बताओ बताओ, शर्मा मत। थके नहीं थे? घबराहट भी नहीं हुई, मार तो भगवान की कृपा, महादेव भगवान। अच्छा, घबराहट भी नहीं हुई आपको? नहीं, मार तो खाए। अच्छा, पहली बार आप ऐसे पहाड़ों में आए हो? पहली बार ही आए। आपका एरिया कौन सा पड़ता है? कोटा, कोटा से हो प्रॉपर? कोटा से। तो वो तो फिर प्लेन एरिया और ये पहाड़ एरिया है, तो चढ़ाई आपने कितने घंटे में करी फिर? घंटा में करी आपने? 6 बजे चले थे यार। यहाँ कितने बजे पहुँचे? 4 बजे। 4 बजे पहुँचे? अच्छा, पैदल ही आए पूरा आप? आप भी पैदल ही आए? अरे वाह। और आप माता जी, आपने कैसे करी? घोड़े पे आए। अभी कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लगे। राजस्थानी में बोल दो कुछ अपने राजस्थानी लोगों के लिए।
क्या बोलना चाहोगे बोल दो कुछ बोलते करनी चाहिए बढ़िया यात्रा करनी चाहिए अच्छा बाबा गाने चाहिए अच्छा अच्छा बाबा तो बहुत अच्छा है अच्छा राजस्थान में बोलो राजस्थानी में बोलो राजस्थानी में राजस्थानी राजस्थान में बोला हाँ राजस्थानी में बोलो ना बोलो बोलो भैया आनी चाहिए बोले बाबा ने बहुत बढ़िया करी जी मांगता है लेर आ गयो वहाँ डोर खींच ली बोले बाबा ने अच्छा चढ़ाई कर दो वक्त मतलब आपको कठिनाई नहीं आई जैसे चढ़ाई रास्ता थोड़ा बहुत आती यात्रा का नाम ही यही चीज है यात्रा में अगर सही बात चलो ठीक है हर महादेव भी आए हैं लोग कोटा से ये देख सकते हैं सभी बुजुर्ग माताएं भी है और क्या बोलते हैं इनके साथ जो जेंट्स लोग हैं ये भी है वो भी यहाँ पे बैठे हैं मंदिर प्रांगण में मैं अभी मंदिर प्रांगण में था और यहाँ पे मुझे जो मुझे देखते हैं लोग प्यार करते हैं सपोर्ट करते हैं आप जैसे लोग तो इनमें से एक भाई आए हैं दिल्ली से आए हैं भाई आपका नाम क्या है अरविंद अरविंद कहाँ से आए हैं आप वो ऐसे मतलब प्रॉपर कहाँ से तमिलनाडु में अच्छा अभी दिल्ली में काम करते हैं उधर से आया अच्छा अच्छा दिल्ली में काम करते हैं अच्छा तो कैसे यात्रा करी आपने आपका चैनल देख के सितंबर 10 तारीख 11 तारीख 12 तारीख उस टाइप का देख लिया फिर हम प्लान किया उसके वजह से अच्छा अच्छा हम इधर आया हम दो लोग आया अच्छा, हमारे अच्छा। साथ एक दूसरा मेरा दोस्त भी आया वो भी काम करते हैं बैंक में दिल्ली में अच्छा बैंक में काम करते हो आप पहली बार आ रहे हो आप इस यात्रा में पहली बार और सेकंड टाइम आ रहा है अच्छा वो सेकंड टाइम आ रहा है तो यात्रा कैसे पैदल ही करी आपने मैं 3 किलोमीटर पैदल आया फिर घोड़ा से अच्छा मतलब उसके बाद फिर हार्ड होने लग गया आपसे नहीं चला गया वो सांस ज्यादा लगने वाला सांस फूलने लग गई मतलब अच्छा तो पूरा पैदल ही आया वो पूरा पैदल ही आया तो वो पहुंचा पहले आप नहीं मैं फर्स्ट अच्छा आप कितने बजे पहुंच गए थे मैं तो 10 बजे के आसपास पहुंच गया सुबह हाँ सुबह कितने बजे चले नीचे से 5:30 बजे खुल गया अच्छा हम उधर से 3 किलोमीटर पैदल आया फिर मेरे को थोड़ा सांस लगने वाला टाइम कहाँ से 3 किलोमीटर गौरीकुंड में रुके थे रात को या सीतापुर में गौरीकुंड में हम कल स्टे किया अच्छा अच्छा फिर उधर से गौरीकुंड में कितने में रूम दिया आपको एक आदमी का 300 है दो आदमी का 600 रुपये यात्रा कम है आजकल तो जैसे कम है ना तो एक रूम में दो लोग रह रहे थे मतलब यानी 600 रुपये में आपका रूम और खाना पीना क्या कैसा लगा था वो बाहर का हाँ उसका कितना प्राइस लिया था वो तो सॉरी उसका कितना कॉस्ट पड़ा था आपको 150 लगे उस पे अच्छा 150 थाली है ना अच्छा तो यहाँ पे रूम वगैरह लिया इधर टेंट लिया कितने में पड़ा 500 एक आदमी का 500 दो आदमी का 1000 रुपये अच्छा दो आदमी का 1000 रुपये और खाना पीना अलग से रहेंगे फिर कल सुबह निकल जाएंगे यहाँ से वापिस जाना है दिल्ली फिर अच्छा सिर्फ एक धाम के लिए आए हो आप कैसा आपका एक्सपीरियंस है आप साउथ से हो ऐसे बेसिकली आप पहली बार भी आ रहे हो यहाँ पे तो मतलब ठंडा लग रहा है ज्यादा लग रहा है ये ठंड तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे ना ऊपर जो बारिश भी हुए थे फिर दोबारा सन आ गया फिर ये अच्छा तो ट्रैक जब आप आए हो ट्रैक पे तो ट्रैक कैसा लगा ज्यादा हार्ड था ट्रैक दो तीन जगह पे लैंडस्लाइड हुए थे वो सही कर दिया अच्छा सही कर दिया अच्छा नीचे मतलब प्रशासन जगह जगह एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है पुलिस वाले चलो पूरा जगह पे प्रॉपर सिक्योरिटी वाला है पूरा है एनडीआरएफ है पूरा है अच्छा एनडीआरएफ एसडीआरएफ पर पुलिस प्रशासन की ड्यूटी है चलो ठीक है ब्रदर थैंक यू सो अभी मैं मंदिर प्रांगण में घूम रहा था तो यहाँ पे मुझे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं कहाँ से हैं सर आप जय श्री केदार हर महादेव मैं यूपी से हूँ डिस्ट्रिक्ट बदायूं से अच्छा डिस्ट्रिक्ट बदायूं कितने लोग आए हो आप ये पूरी फैमिली आपकी हम पूरी फैमिली है 5 लोग हैं अच्छा अच्छा 5 लोग तो बच्चा है 4 हाँ बच्चा है छोटा बच्चा मैं यही देख रहा हूँ लड़का है लड़की क्या नाम है आपका जोर से बोलो थोड़ा तेज से जोर से बोलो क्या नाम बताया आविक नाम है अच्छा अच्छा ठंड नहीं लग रही यहाँ पे हर हर महादेव करो हर हर महादेव हर हर महादेव उसको ठंड लग रही है हैं ये थर्ड टाइम आ रहा है अच्छा कैसे मतलब इसने ट्रैक कैसे किया आप लोगों ने ये सेकंड टाइम जब सेकंड इसका बर्थडे था तब आया था
थर्ड टाइम आ रहा है? ये थर्ड टाइम आ रहा है। कितनी एज है आपकी? इसकी 4 ईयर का हुआ ये। अच्छा, 4 ईयर का, तो पहली बारी में कब आया फिर? ये आया था जब 2 साल का इसका बर्थडे था, 3 अगस्त का 2022 में। कंटिन्यू आ रहा है तब से? उसके बाद से कंटिन्यू आ रहा है। अच्छा, आप लास्ट ईयर आया था सितंबर में। अच्छा, फर्स्ट ईयर आया था उस समय 2022 अगस्त में, 3 अगस्त को, और इस वक्त आया सितंबर में। तो आप भी लगातार आ रहे हो? कंटिन्यू 2017 कंटिन्यू हूँ मैं। अच्छा, अमरनाथ जी 2017 से कंटिन्यू। हाँ जी, और 2022 से इधर कंटिन्यू। अच्छा, स्कूल जाते हो बेटा? स्कूल जाते हो हैं? तो यहाँ पे कैसा लग रहा है अभी? अच्छा। पैदल आए आप? हाँ। थकने लगी आपको फिर? थकान नहीं लगी? यहीं रहोगे अब? अच्छा, तो हम लोग बद्रीनाथ से आ रहे हैं। ट्रैक करके आ रहे हो आप सारे? बद्रीनाथ हुआ है। हाँ जी, धारी देवी बद्रीनाथ। अच्छा, उसके बाद सीधा इधर? नहीं, नीचे से गौरीकुंड से कैसे आया? गौरीकुंड से हम लोग सोनप्रयाग से, तो भाई हाँ, वो तो वहाँ पे स्लाइडिंग है ऊपर से बहुत ज्यादा। वहाँ से अपना गौरीकुंड से करीबन 3-4 किलोमीटर ऊपर तक तो हमारी टांगों ने जवाब। अच्छा, मतलब आपने पहले सोचा कि हम चल लेंगे? 3-4 किलोमीटर ऊपर आ गए ना गौरीकुंड से। अच्छा, 4-5 किलोमीटर वो हो गया। हाँ हाँ, 7-8 किलोमीटर फिटा के जवाब दे गई, सांसें भी जवाब दे गई। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ से घोड़ा किया? फिर घोड़ा किया सभी ने। हाँ, तो कितना कितना लिया उसने घोड़े का? घोड़े ने 3,000 पे लिया पर हेड। अच्छा, 3,000 पर हेड। अच्छा, 3-4 किलोमीटर। हाँ, रोड बहुत ज्यादा, रास्ते में काफी जगह स्लाइडिंग हो गई। अच्छा, मैं लास्ट ईयर जब आया था तो यहाँ जो रामबाड़ा में तो ब्रिज थे पास पास। हाँ जी, जी। अभी देखा तो सिर्फ उसका बेस रह गया, ब्रिज गायब हो गया। हाँ, वही मैं पूछने वाला था, क्योंकि आप कंटिन्यू यात्रा कर रहे हो, तो उस यात्रा में और इस यात्रा में थोड़ा सा क्या डिफरेंस? इस साइड का रोड काफी खराब हो गया। कौन से वाला रोड? ये जैसे रामबाड़ा से इस साइड को आते हैं। हाँ जी, जी। इधर जो यहाँ से जब उतरेंगे, बिल्कुल, ये जो साइड है, इस साइड की काफी जगह खराब हो गई। अच्छा, आप भी कंटिन्यू आ रहे हो लगातार 3 साल से, आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस साल का, क्योंकि आप लगातार हैं? बहुत बढ़िया। ट्रैक कैसा है इस साल, मतलब जैसे क्योंकि पिछले ट्रैक तो बहुत खराब है, बहुत हार्ड है, बहुत मतलब है? हार्ड है। अच्छा, 3 जगह पे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन जगह जगह है लगे हुए, मतलब वो हेल्प कर रहे हैं? मतलब इतना कुछ खास नहीं है पहले से। अच्छा, नहीं, गवर्नमेंट के खैर जितने भी इंतजाम करे हुए उन्होंने वो सारे भाई अपने जहाँ बुक कर सकते हैं वो सारे उन्होंने किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बन भी रहा हो ट्रैक, एक्चुअली बन भी रखा है और यात्री भी बहुत ज्यादा पहुंच जाते हैं। हम इतना ही कह रहे हैं, इतना हमारी काफी है। बिल्कुल, कि उनके सारे उन्होंने रास्ते बना दिए तो हम दर्शन को आ रहे हैं। जब बच्चा इतना छोटा बच्चा पहुंच चुका है यहाँ पे, तो और आपका, आप पहली बार आ रहे हो? आप भी पहली बार? कैसा एक्सपीरियंस है फिर आपका? ठंडा नहीं लग रहा है यहाँ पे? आपकी यूपी में तो बदायूं में मतलब गर्मी होगी, इससे तो ज्यादा ही, तो हिमालय है तो अभी एसी चल रहे हैं, यहाँ तो बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। आप भी मतलब पहले ट्रैक करके आए थे, उसके बाद फिर घोड़े पे? अच्छा अच्छा सर। अच्छा, तो ये रूम वगैरह कैसे पड़ा सर, आपको रूम ले लिया या एडवांस था आपका? वैसे तो मेरा फर्स्ट टाइम तो ये रूम था। अच्छा, यहाँ पे सामने? सेकंड टाइम पीछे था इसके। अच्छा, यानी मतलब आप देखते कहाँ रूम? अच्छा, अभी आए हो आप, मतलब अभी चेस्ट भी को अभी आए। अच्छा, आते ही आप पे नजर पड़ गई। अरे थैंक यू सो मच। इधर मत्था टेको, सामने आप दिख गए। अच्छा, मत्था टेक दिया आपने अंदर? हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गया, दर्शन किए थे आपने अंदर? अंदर जाएंगे। अच्छा, अभी सिर्फ बाहर से मत्था टेका? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो हर हर महादेव बोल दो। हर महादेव, जय श्री केदार, हर महादेव, हर महादेव। Thank you.
देख सकते हैं आज आरती में काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है। कल तीन दिन के बाद यहाँ पे मंदिर के जो यात्रा है वो ओपन हुई तीन दिन बाद, और आज आप देखो कल हुई थी ओपन और आज इतनी ज़्यादा पब्लिक है। देखो अभी आरती लेने लोग आ गए आ गए। कम कीमत करो आराम से। तो ये है श्री केदारनाथ धाम जी के रात के दर्शन, आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे दर्शन चल रहे हैं। आरती के बाद आरती हो चुकी है कंप्लीट और अभी यहाँ पे दर्शन चल रहे हैं। कैसे हो महाराज जी? मस्त आरती आरती घुमा रहे हो। ये देख सकते हैं ये है पूर्वी द्वार जहाँ से अभी श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करके इधर को, और जो मेन द्वार है वहाँ से अंदर को जा रहे हैं। जय शंकर महाराज, जय शंकर महाराज, जय केदारनाथ। तो ये दर्शन चल रहे हैं और जो जिस रास्ते में खड़ा हूँ ये भैरव मंदिर मार्ग इधर को जा रहे हैं लोग, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर पे गौमुख से पानी निकल रहा है। तो अभी आज एक्चुअली जब से कल से यात्रा खुली है तो आज मंदिर में बढ़िया क्राउड है। कल तो 10,000 पब्लिक छोड़ी थी उन्होंने नीचे, कल तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, बट आज भी ऐसे ही 7-8 हज़ार आज भी होंगे। हर हर महादेव महाराज जी, कैसे आनंद में? जय शंकर महाराज, बढ़िया आरती घुमा रहे हो। तो ये है ईशा आज के श्री ईशानेश्वर महादेव जी के दर्शन जो कि आप कर सकते हैं, सामने देख सकते हैं, और इस वाली साइड पूरी चहल पहल है अभी, क्योंकि जब यात्री रहते हैं तो पूरी रात भर कई लोग यहाँ पे बैठते हैं मेडिटेशन करते हैं। अभी भी कई लोग इधर पे बैठे होंगे मेडिटेशन करने, आपको दिखाता हूँ मैं रात के टाइम। हर हर महादेव, आज आपकी ड्यूटी लगी? चलो नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया, ये देख सकते हैं ये लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। और ये इधर पे साधु संत महात्मा बैठे हैं, और ये है मंदिर के पश्चिमी द्वार के दर्शन। अब लेके चलते हैं भाई आपको ऊपर भीमशिला में, और करवाते हैं आज के भीमशिला जी के दर्शन। ये अमृत कुंड से लोग जल भर रहे हैं, महाराज जी भर के दे रहे हैं। ये अंदर शिवलिंग से धारा निकलती है अमृत की। तो ये देख सकते हैं आप भीमशिला के लिए आज कितनी पब्लिक है, देख सकते हैं नीचे ऊपर आ रहे हैं अभी भी, अभी 8:30 हो चुके हैं रात के और काफ़ी पब्लिक है आज मंदिर में, जिस वजह से भीमशिला के लिए भी देखो आप डेली आपको यहाँ से दर्शन करवा रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं नीचे ऊपर से कितने आ रहे हैं, महाराज जी बैठे हैं। हर महादेव महाराज, जय शंकर महाराज, आनंद में बढ़िया, जय हो जय हो जय श्री केदार, देख सकते हैं आप। जय शंकर महाराज, जय शंकर महाराज, हर हर महादेव, हर हर महादेव, साधु की सेवा करो। बिल्कुल हाँ जी, हमारे बाबा जी खड़े हैं, हाँ जी, हमारा वीडियो बना के, हाँ जी, आग देख के, हाँ जी, धर्म का काम करो, साधु को वहाँ से रोटी ला के दे। ठीक है महाराज, आता हूँ आज के लिए, इतने काफी नहीं, जाता हूँ ना महाराज, अगर बोलते हो आप, हाँ दवाई भी मैंने दिलाई थी परसों महाराज। धर्म परम ये देख सकते हैं आप भीमशिला के। हर हर महादेव, हर हर महादेव, केदार नगरी में सबका स्वागत है। अरे वाह, एक केदार धाम में सबका स्वागत है, देश विदेश के भक्तों जय जयकार बनी रहे केदार बाबा, सब पे मनोकामना करे, सबकी इच्छा पूर्ण करे। केदार धाम में आने वाले के लिए हर यात्री की भी शुभकामनाएं पूरी हो। बिल्कुल भोलेनाथ सबकी मुराद पूरी करे, और यात्रा ऐसी खुली रहे जब तक यात्रा खुली रहे। केदारनाथ बाबा सबको बुलाता रहे, यात्रा सबकी सफल सुखल मंगल में हो, आने वाला भक्त की हर मुराद पूरी करे। बिल्कुल देख, दान करे तो ना करे, सबका कल्याण करे, भोले बाबा है, भंडारी है, नीलकंठ तिवारी है, कमल नैनम है। बिल्कुल जय शंकर महाराज, पूरी करता रहे। जय केदार, जय केदार, हर महादेव, हर महादेव महाराज, कैसे हो? जय श्री केदार। ये बैठे इधर पे सभी साधु, कैसे हो महाराज जी? हर महादेव, जय श्री, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर, डेली ब्लॉग देखते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
अभी भी आज थोड़ा लेट हो गया, अभी भी दर्शन ही करवा रहा था लोगों से। वेट कर रहा था आपके दर्शनों में, मुलाकात हुई नहीं, सुबह हो जाए शाम को हो जाए, मैं वेट कर रहा था कहीं मिल जाए। मुझे नमस्ते, कहाँ से हो आप लोग? मैं गुजरात से अहमदाबाद से हूँ। कितने लोग आए हो? हम 5 जने आए हैं। अच्छा, ये आपका बच्चा है? जी मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, बड़ा बेटा है। इधर आ जाओ, थोड़ा सा रास्ता है वो ना इधर साइड। हाँ जी। अच्छा, तो कैसे मतलब आपने ट्रैक किया नीचे से या पैदल आए हैं? या सॉरी, घोड़े पे आए थे? घोड़े पे नहीं है, मेरी वाइफ और मेरा बड़ा बेटा आया घोड़े पे। हम बाकी सब 3 जने ट्रैक करके आए। अभी ट्रैक करके आए? जी जी। कौन सी क्लास में हो आप? 8th में। एज कितनी है आपकी? 13। ठंडा लग रहा है यहाँ पे अभी? देखो आपने चप्पल भी नहीं पहनी है क्योंकि अभी आप दर्शन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत लग रहा है, अच्छा लग रहा है? हाँ। रॉबिन भाई बहुत अच्छे दर्शन हुए, सच में ऐसे दर्शन दुर्लभ हैं और आना चाहिए यहाँ दर्शन करने। एक बार जीवन में आना ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा आना। सही बात। मैं कहता हूँ एक बार इस जगह आना चाहिए, आपको फील होगा यहाँ का, आपको वाइब्रेशंस फील होंगे यहाँ की एनर्जी। हाँ, बहुत अलग है, बहुत अलग है, इसका विवरण नहीं किया जा सकता। अच्छा, ऐसी जगह। तो आज आप यहीं हो? कल मैं आज यहाँ हूँ, कल सुबह दर्शन करूंगा, अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊंगा। अच्छा, ऐसा एक दिन का स्टे है मेरा। अच्छा अच्छा, फिर आगे जाना है, बद्रीनाथ जाना है। 4 धाम के लिए आए? 2 धाम करने निकले थे, 2 धाम के दर्शन। आप कहाँ से आए हो सर? हम MP। अच्छा, MP से? मैं मंदसौर जिले से हैं। ये आपका बच्चा है? ये हमारा बच्चा है। कितने साल का है ये? अभी 6। हर महादेव। 6 ईयर है सर। 6 ईयर का? हाँ। अच्छा, तो इसको ऐसे लाए हो नीचे से? हाँ, नीचे से बिना सही आ जाओ। कैंटीन से आए हम। अच्छा, टेंट में रुके हुए? अच्छा, टेंट में रुके। कितने में दिया टेंट आप लोगों को यहाँ पे इन्होंने? टेंट में हम 13 जने हैं। एक ही टेंट में? हाँ। तो कितना मतलब? 4,000 रुपए का। अच्छा, 13 जनों का 4,000 रुपए। तो कैसे ट्रैक कैसे किया आपने, पैदल? आया थोड़ा पैदल आए थे, बाद में घोड़ा करना पड़ा। अच्छा, घोड़ा किया फिर है। पैदल कितना आए? पैदल आए हम गोरीकुंड से भी थोड़ा और आगे तक आ गए थे। तो वहाँ से कितना लिया घोड़े वाले ने? घोड़े वाले ने जो ले लिया ठीक। नहीं नहीं, बताओ ना आप, क्योंकि ये हम डेली वीडियो डालते हैं ना ताकि यात्रियों को पता लगता है, इनको पता है हम यही से डालते हैं। 5,000 रुपए पर घोड़े से लिए हमसे डेली डालते हैं। 5,000 पर घोड़े से? हाँ। तो आपसे बहुत ज्यादा लिया उसने, 5,000। 3200 रुपए तो 3200 रुपए तो नीचे से। हाँ, पर वो नहीं, वहाँ रजिस्ट्रेशन पुलिस वाले ने मना कर दिया था कि वो पहले उनको लाना पड़ेगा घोड़े वाले का टोकन, तो वो आते ही नहीं, वहाँ तक चलते ही नहीं। 3200 रुपए टोकन का चार्ज है यहाँ तक का, 3200 रुपए 5,000 आपने बहुत ज्यादा दे दिया उसको, इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं। बाकी आपको ठंडा लग रहा है बेटा? ठंडा लग रहा है? ठंड लग। देखो होंठ भी काले हो गए शायद, लग रहा है ठंड से। देखो, अच्छा आप भी पहली बार आए हो? चारों धाम जा रहे हैं, गंगोत्री यमुनोत्री धाम हो गए, 3 हो गए आज, और तुंगनाथ जी आए, इधर भी जगह आए गए हम, तुंगनाथ होके आ गए कल, त्रिगुनारायण जगह आ गए। चलो बहुत, और अब हम बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे कल। चलो बहुत, दर्शन अच्छे हुए? बहुत बढ़िया, बाबा के दर्शन, सवेरे भी आरती करने की इच्छा है। चलो चलो, बिल्कुल, जय शंकर महादेव, जय भोले बाबा, जय केदारधाम की जय हो, जय केदार। आप कहाँ से? आई एम कमिंग फ्रॉम तमिलनाडु, कोयम्बटूर। अच्छा, कोयम्बटूर। यू नो हिंदी? यू नो हिंदी? I am very very little only. Okay, okay. I don't know how to speak. My wife will come. She knows. No. आप English में ही बोलो. Okay. You. हाँ. See, we you are very English. Glad to get a darshan of Lord. It is for me. Yeah. For the last 3 years, I am expecting this chance. Acha. Just now I got it. I am really happy. Early morning we came here through. But we are not getting our helicopter today night. That's why we are staying. Yeah. Really, it is happy for seeing the Lord for the second time. And we are very happy. We 15 people have come. 15 people? See, yeah. But we are 6 are staying here now today. Oh, okay. So we are expecting one more darshan. Okay, okay. Okay, we are very glad. See, some people are there, our people. Where is that? She is also from Tamil Nadu. Achha, achha. You know Hindi? No. Some little bit. Little bit. Kaise ho Pandit ji? Sab theek hai. Kahan se from? We are from Tamil Nadu, Coimbatore. BSNL retired staff mostly. Oh. BSNL retired staff. आपको हिंदी आती मैम? आती है। अच्छा अच्छा, आपको कैसा लग रहा है इस जगह पे? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हो आप? पहली बार आए हैं। अच्छा अच्छा, दोपहर को एक दर्शन हो गया। अच्छा अच्छा, दूसरा अभी
गया, हमारे हेलीकॉप्टर चला गया, हेलीकॉप्टर चले गया, मिस हो गया, दूसरा दर्शन आएगा, एक और बार मिल गया हमें। अच्छा सीट नहीं थी, वी मिस्ड इट, वी मिस्ड इट, इसलिए हम टकरे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसलिए हमारे दूसरा दर्शन हो गया। अच्छा अच्छा, तो आप कल निकलोगे आप? हाँ कल सुबह निकलेंगे, हेलीकॉप्टर से निकलोगे? हाँ हेलीकॉप्टर से निकल। अच्छा, तो सभी लोग, आप भी, माता जी भी पहली बार अभी है, तो शायद तमिलनाडु। अच्छा लगा, आप अपनी लैंग्वेज में बोलो, कोई बात नहीं, आपकी जो लैंग्वेज है तमिल है, लैंग्वेज तमिल में बोलो, कोई बात नहीं। கேதர்நாத்ல பார்த்து சிவனோட தரிசனம் கிடைச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம், நாங்க அதிர்ஷ்டசாலியா ஃபீல் பண்ணோம், we feel we are fortunate. ரொம்ப நாளா எதிர்பார்த்ததே இன்னைக்கு தான் நிறைவேறிடுச்சு. Twice we had darshan, so he didn't want us to go. He asked us to come stay here and have a second darshan also. We missed our flight, helicopter, but again we got one more darshan. Achha. So we feel it is a fortunate thing only. Okay, okay. Tomorrow morning we are leaving. Achha. So thank you. Thank you so much. Har Har Mahadev. Jai Shri Mahadev. कहाँ से आए थे आप लोग? गुजरात? गुजरात कहाँ से? अहमदाबाद से। आप भी पहली बार आ रहे हो? जी भैया। अच्छा, सभी लोग, पूरी फैमिली आपकी? मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा, तो आप कैसे गुजरात के ग्रुप के साथ, मतलब? मैं, ये मेरी मासी है। अच्छा, उनके बच्चे। अच्छा, उनके साथ ही आया हूँ। तो कैसा, आप पहली बार ही आए हो? पहली बार। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठंडा लग रहा है ज्यादा? ठंड है। हाँ, देखो ऊपर हिमालय चढ़ के आए हैं। अच्छा अच्छा, पैदल चढ़ के। कितने घंटे में ट्रैकिंग करी आपने? बारह घंटे में, यानी कितने बजे चले नीचे से गौरीकुंड? 3:30 बजे चले, यहाँ पे हम सुबह 4 बजे पहुँचे, 3:30-4 बजे। पैदल कहाँ से स्टार्ट किया, गौरीकुंड से या सीधा सोनप्रयाग से? नहीं, गौरीकुंड से। गौरीकुंड से स्टार्ट किया, तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड कैसे आए फिर? जीप से। जीप से। अच्छा, बाकी आपका कैसा मैम एक्सपीरियंस है? बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा भी, फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम आए हो आप? जी। अच्छा अच्छा, तो जब फर्स्ट टाइम आए तो कैसे ट्रैक करके आए हो आप या घोड़े? मैं आधे रास्ते घोड़े से आई। अच्छा, आधे रास्ते, आधा रास्ता ट्रैक किया, आधे रास्ते घोड़े से आई। अच्छा, लोगों को आपकी तरफ से कोई, यहाँ से कोई मैसेज कि मतलब अपने गुजराती में बोल दो, चाहे कोई बात नहीं। गुजराती मुझे नहीं आती क्योंकि मैं प्रॉपर गुजरात नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हिंदी में बोल दो कि जो ऑडियंस आपको देख रही है अभी। आए दर्शन करे, बहुत बढ़िया है। ट्रैक ज्यादा हार्ड तो नहीं अभी, क्योंकि अभी आपदा आई थी? हार्ड है अभी, क्योंकि ये जो लैंडस्लाइड्स हुई थी, पर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, बाकी आपको भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है ठंड लग रही है आपको बहुत ज्यादा। बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड है। बस ट्रैक करके ऊपर आया था, उसके बाद मेरे को, मैं बीमार हो गया था, बुखार आ गया था, उसकी वजह से सब पैक होके बैठा हूँ मैं अभी। पैदल आए आप यहाँ तक? ना, मम्मा घोड़े पे आई थी तो उनके साथ मेरे को भी आना पड़ा था। अच्छा, तो इसलिए तबीयत खराब हो गई कि मतलब आपने जो ये क्लाइमेट है आपको बिल्कुल सूट नहीं किया? हाँ, तो ये होता है। तो आप यहाँ पे मेडिकल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ से मेडिसिन लेकर ही आए थे? घर से मेडिसिन लेकर ही आए। अच्छा, तो लेके भी आना चाहिए एक्चुअली इन लोगों से आप? हाँ, कंपलसरी है ना? सही बात है। चलो ठीक है फिर, हर हर महादेव। तो अभी अंधेरा फुल हो चुका है और यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था भी नहीं है एक्चुअली भीमशिला के पास में, और अभी सभी साधु संत महात्मा लोग बैठे हैं इधर पे, देख सकते हैं, और काफ़ी सारे श्रद्धालु भी है। तो आज आपको जो भीमशिला के थोड़े से मैं लेट दर्शन करवा रहा हूँ, ये देख सकते हैं, और यहाँ से अभी एक्चुअली जो चाँद है वो भी बढ़िया दिख रहा है। आज देखो कितने दिन बाद मौसम खुला है भाई, तारे भी दिखने लग गए, तो इसका मतलब लग रहा है कि केदार घाटी का जो मौसम है वो खुलने वाला है बढ़िया से, 2-3 दिन में और अच्छी यात्रा होगी, तो जो अभी प्लान करेंगे वो कर सकते हैं। और ऊपर देखो जो हिमालय है पूरे अंधेरे में वो पूरा वाइट दिख रहा है भाई, देखो। सो ये थे आज के श्री केदारनाथ धाम जी के दर्शन, और जो यहाँ पे यात्री आए थे उनका एक्सपीरियंस। तो आज का जो ये ब्लॉग है इसको मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, थोड़ा लेट एंड कर रहा हूँ आज को। आज आपको इस ब्लॉग में सारा रात का भी दिखाया, दिन का भी दिखाया, आरती भी दिखाई। सो होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड नई न्यूज़ एंड अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसी डेस्टिनेशन पे नई न्यूज़ एंड अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव। केदारनाथम शरणम प्रपद्ये।